हाँ लग रही है। चलो मम्मा को उठा के चलते। चलो अभी तो आंख लगी थी। टाइम क्या हो गया? क्या हो गया तुम लोगों को? अभी तो मेरी आंख लगी थी, भूख लगी हुई है। तो बेटा आराम से दरवाजा नॉक करते हैं। आप लोगों ने तो इतनी जोर से नॉक करना शुरू कर दिया। मैं अभी अभी सोई थी ना नमाज करके। क्या खाना है मेरे बच्चों ने? पराठे खाने। पराठे खाने मेरे बेटों ने। चले सब नारी यहाँ अंदर चल के टेबल पे बैठते हैं, वहां पे गपशप लगाते हैं। चल रहे हैं। किस किसने क्या क्या नाश्ता करना है? मैं पराठा खाऊंगा। वो भी सालन के साथ, कोरने के साथ। मैं चीनी वाला पराठा खाऊंगा। और आपने हसन क्या खाना है? नाश्ते में क्या लेंगे आप? देखो पराठे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। आज दो तीन दिन, चार दिन के आई थिंक छुट्टियों के बाद मैं वापस आई हूँ। तो भाई असल में ना दो तीन दिन जो है ना, वो पता नहीं क्यों एकदम से मुझे जो है वो कुछ हो जाता है और मैं बिल्कुल व्लॉग्स बनाना ही छोड़ देती हूँ। और मुझे एडिट करना भी एक तरह से पहाड़ नज़र आ रहा होता है उन व्लॉग्स को। और पता नहीं क्यों मेरे साथ ये कुछ होता है, मतलब इस तरह से महीने में एक बार तो लाजमी होता है। असल में इंसान जब डीमोटिवेट भी होता है ना, तो उस टाइम भी उसकी बड़ी सारी उम्मीदें जो है ना वो टूटने लगती हैं। तो फिर इंसान खुद ब खुद ही डीमोटिवेट होता है और फिर उसकी वो जो एक पावर होती है ना, यकीन करें एनर्जी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। बस यही चीज़ें जो है वो मेरे साथ चल रही थी। लेकिन आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे, बाकायदा मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि नूरिन कहाँ है, व्लॉग नहीं आ रहा। तो यार आप लोग की मोहब्बत जो है वो दोबारा से खींच के मुझे ले आती है। तो बस मैं आ गई हूँ। और मुझे आप लोग के जो पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं ना, यकीन करें वो एक अलग सी एनर्जी और ताकत देते हैं। और जो कि मुझे आप लोग बोलते हो कि नहीं नूरिन हिम्मत नहीं हारनी, जहाँ पे आप लोग आपने इतनी मेहनत की है, इतनी स्ट्रगल की है, वहाँ कुछ टाइम और करें, अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे। और यकीन करें कि ऐसे मुझे कमेंट्स बाकायदगी से आ रहे होते हैं इंस्टा पे या अक्सर व्हाट्सएप पे, जिनके पास मेरा नंबर है, या फिर मुझे यहाँ पर कमेंट्स में बता रहे होते हैं, आप लोग बोल रहे होते हैं कि नहीं नूरिन हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी हिम्मत को जो है ना वो जारी रखो, इंशाल्लाह कामयाबी जो है ना वो ज़रूर मिलेगी। आप लोग मेरे व्लॉग्स को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का। बस इसी तरह प्यार देते रहें। यकीन करें कि बस दिल खुश हो जाता है जब आप आकर ये ऐसा कमेंट करते हैं कि नूरिन हमने आपका व्लॉग देखा, आपका चैनल सब्सक्राइब किया, आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं। इवन बिलीव करें कि कभी कभार, अब तो बिल्कुल जैसे कहते हैं मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो मैं दिल से व्लॉग नहीं बना रही होती हूँ, लेकिन यकीन करें ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि नूरिन यकीन करें हम बड़ी बड़ी व्लॉगर्स के व्लॉग देखते हैं लेकिन हमें इतना मज़ा नहीं आता जितना आपके व्लॉग्स का मज़ा आता है। इवन 20 मिनट का व्लॉग भी होता है तो कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन बस वही कहते हैं ना, ये भी सब नसीब की बातें हैं। तो शायद मे बी मेरे नसीब में यहाँ पर कामयाबी है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन एक मेरे अंदर जिसे कहते हैं ना कि जज्बा ज़रूर है कि इंशाल्लाह लापा करेंगे कि मैं यहाँ पे ज़रूर कामयाब होंगी। तो बस हिम्मत कभी नहीं ख़त्म होने देनी, हिम्मत टूटने नहीं देनी, इसको हमेशा जो है वो जारी रखना है।
तो आज छुट्टी का दिन था और बच्चे भी जो है वो सुबह उठ जाते हैं अक्सर जल्दी, तो फिर उस दिन मुझे ज़रा होता है कि आज थोड़ा सा लेट उठूंगी, लेकिन उसी दिन बच्चों को जल्दी उठना होता है और जिस दिन स्कूल जाना होता है ना उस दिन बच्चों को सुबह के टाइम पे नींद आ रही होती है। तो खैर अभी बच्चे अंदर इंतज़ार कर रहे हैं, बस जल्दी से मैं भी नाश्ता बनाती हूँ और इनके पास पहुँचती हूँ, सब बैठ के इकट्ठे नाश्ता करेंगे। तो चलिए जी, नाश्ता तो हमारा रेडी हो चुका है, अभी बैठ के हम सब जो है वो नाश्ता कर रहे थे। और यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी, अक्सर मेरी बहनें कहती हैं दोनों ये तुम्हारा जो कैमरा है ये मुंह को बिल्कुल छोटा बड़ा क्यों कर रहा होता है। तो है जी, असल में ना मेरा मोबाइल कभी कभी जो है खासतौर पर मुझे इसी तरह लगता है कि मेरा ही फेस जो है वो फोकस करने में थोड़ा मसला कर रहा होता है। बाकी देखिए किसी के फेस पर इस तरह नहीं होता, लेकिन वो मेरा ही चेहरा ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसको आदत होगी मेरे चेहरे की। तो मैं थोड़ी दूर बैठी हुई तो इसलिए उसको फोकस करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी और इसके अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ फोकस करने की प्रॉब्लम है। तो चलिए अभी जल्दी से नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर अपने घर के काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्योंकि आज बच्चों को जो है वो छुट्टी थी तो छोटे छोटे क्लिप्स उनके इस तरह के मैं इसलिए ऐड कर रही थी कि बहुत सारी बहनें जिनके बच्चे भी पसंद करते हैं उनके साथ बैठ के व्लॉग्स देखना, तो ये चीज़ें जो कि एक तरह से समझ लें कि अच्छा मैसेज भी होता है कि छुट्टी का दिन है और बच्चे घर पे हैं। तो चले, उन्होंने इतना ख्याल किया कि मामा ने अभी नाश्ता भी बनाया, अभी वो किचन क्लीन करेंगी तो हम अपना रूम जो है ना वो समेट लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है छुट्टी वाले दिन हेल्पर की भी छुट्टी होती है, तो उस दिन बच्चे खुद ही करें। तो माशाल्लाह, हालांकि मैं इनको नहीं कह रही थी कि ये काम करें, लेकिन वो खुद ही देखें, यान कहाँ चढ़ के ऊपर डस्टिंग कर रहा था और हुसैन इधर छोटी मोटी चीज़ें लगा हुए करने, और हसीब जो है वो अपना दूसरी चीज़ें समेट रहा है जो बेड पर इधर उधर कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, और ये देखें हुसैन ना यहाँ पर डस्टिंग भी कर रहा था माशाल्लाह से। तो खैर, इस तरह से इन्होंने मिलके सारा रूम जो है अपना वो क्लीन कर लिया, और अभी जो है साथ में तलावत लगा ली थी याने, और बस वो सीख रहा है सूरत बकरा। और सूरह बकरा जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी बड़ी होती है, तो उसकी थोड़ी थोड़ी जो है ना वो शुरू की कुछ आयत वगैरह जो है वो अयान याद कर रहे, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वो याद कर भी लेगा। बाकी एक दिन मैंने मदरसे की बात करी थी तो बहुत सारी बहनों के मुझे वहाँ कमेंट्स आए थे कि नौरीन उनको बच्चों को ज़रूर भेजना हिफ्ज़ के लिए। हर मदरसा में ऐसा नहीं होता है, आप अपने कारी साहब को जो भी इनके होंगे बच्चों के उनको जाके बोल दीजिएगा कि बच्चे जो उनको बच्चों को जो है ना वो आपने मारना नहीं, थोड़ा ज़रा प्यार से या पढ़ाएँ, तो इस तरह से बिल्कुल जो है ना वो करते हैं कारी साहब। तो इंशाल्लाह जो मुझे आप लोग के कमेंट्स थे ना उस पर बड़ा ही एक पॉजिटिव एक वाइब्स आई, और मैंने सोचा कि नहीं, जो मैंने पहले सुन रही थी कि नहीं मैंने नहीं भेजना, क्योंकि जाहिर सी बात मुझे थोड़ा सा ऐसे फील होने लग गया था कि यार मतलब वाकई में क्या इतना जुल्म करते हैं मदरसे वाले भी, तो लेकिन है थोड़ी सी हिम्मत आई तो अब मैं सोचती कि ज़रूर बच्चों को जो है ना वहाँ पे भेजूंगी। तो कल जो है वो मैंने कपड़े धोए थे, यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जो वीकेंड होता है ना मतलब उसमें मैं जितने भी सफ़ेद वाले कपड़े बच्चों के यूनिफॉर्म बनियान वगैरह इस तरह की चीज़ें जितनी शर्ट्स वगैरह होती है ना उनको इकट्ठा वाइट को धोकर फिर उनको नील लगा लेती हूँ, अदरवाइज आगे पीछे तो इतने ज़्यादा वाइट कपड़े होते नहीं है, तो फिर अक्सर वो कलर वाले कपड़ों के साथ भी मैं कुछ डाल देती हूँ, मतलब के कलर्स नहीं निकलते ना वो वाले। तो बस अभी सारे बच्चों के कपड़े जो है वो अलग अलग करके, अच्छा वीकेंड पे बेडशीट भी जो है ना वो भी धुलनी होती हैं, तो अब इनको अलग अलग करके तय लगा देती हूँ और फिर बच्चों को बुलाऊंगी, अपने अपने कपड़े उठाएंगे और वो सब अपनी अपनी जगह पे जाके रख देंगे। तो बस ये मेरी ड्यूटी होती है कि कपड़ों को तय लगा देना। तो जो इस्त्री करने वाले कपड़े थे वो सारे मैंने अलग कर लिए हैं, और जो बच्चों के तय लगा के अपनी अपनी जगह पे पहुंचाने थे वो पहुंचा दिए। बाकी जो अभी सबसे पहले मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ ना ये मदरसा वाले कर रही हूँ, अभी बच्चे जो हैं वो साथ ही तैयार हो जाएंगे मदरसा के लिए और इन्होंने फिर मदरसा जाना है। बाकी मैं दूसरे कपड़े जो हैं वो साथ साथ प्रेस करके हैंग करती जाती हूँ। अक्सर मुझे एक दो बहन का कमेंट आया कि नहीं मैंने आपका चैनल इसलिए सब्सक्राइब किया क्योंकि आप जो हैं वो जेंट्स के कपड़े बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करती हैं। अच्छा, किसी दिन तो मैं अभी ज़रा ये टाइम लैप्स पे लगाई हुई थी वीडियो, तो इस वजह से आपको बड़ी स्पीड में जो है ना वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। तो ये है कि जाहिर सी बात है घर की जो रूटीन होती है, जो काम होते हैं डेली रूटीन के, वही आप लोग के साथ शेयर करने होते हैं डेली रूटीन का, जाहिर सी बात है मेरा चैनल है तो बस वही मैं सब कर रही होती हूँ। बस बच्चों के यूनिफॉर्म मदरसे के करने के बाद उनकी जो शलवार कमीज़ थी, बाकी तीन तीन सूट होते हैं उनके पूरे जो हफ्ते के हैं ना वो वाले, तो
तो वो मैंने करके कुछ जो है वो हैंग कर दिए यहाँ पे। अभी बच्चे जो है बस वो नहा धो के तैयार शहर हो रहे थे, साथ में मैंने कहा कि साइड पर जो भी कैमरा चल रहा है और आप आके सामने ही बैठ के हैं। तो उनके बच्चों की मैंने पहले करके ना तकरीबन कोई 6 शलवार कमीज़ें थी, आई थिंक 3 अयान की 3 हुसैन की, तो वो मैंने हैंग कर दी। अब मैं आसिफ़ का कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं जल्दी से यूनिफॉर्म प्रेस करूँगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं इसी स्टैंड पे कपड़े क्यों नहीं प्रेस करी, मैं इस तरह से टेबल पे बैठ के क्यों कर रही हूँ। तो मैं ना इसी स्टैंड असल में ना रखने की कहीं जगह भी नहीं थी, वो मैंने बिल्कुल एक कॉर्नर पर लगा दिया, उस पर सारे बिस्तर लगा देती हूँ। और मैं जब भी कपड़े प्रेस करती हूँ, क्योंकि ये डेली का काम है, यूनिफॉर्म और बच्चों के मदरसे के कपड़े और आसिफ़ के एक दो सूट रोज़ का होता ही है, तो वो प्रेस करना। कपड़े हैं जो कि बच्चों के यूनिफॉर्म है जो मैंने प्रेस किए हैं, ठीक है। उसके अलावा ये शलवार के पीसे हैं, 2 वो पहन के चले गए हैं, ये 3 हैं। बाकी जो है वो 2 सूट आसिफ के ये लटके हुए यहाँ पे, और ये मैंने प्रेस कर दिए। सारे कपड़े यहाँ पे खत्म हो गए, शुक्र अल्लाह का। बस अब ये सारी चीज़ें उठाती हूँ और ये कपड़े भी बच्चों की अलमारी में पहुँचा देती हूँ, ये भी उतार लेती हूँ यहाँ से। तो ये देखें जी कितने सारे कपड़े, ओह माय गॉड, बहुत कपड़े। पकड़ सी, पकड़ चल अंदर अलमारी में लटकाए सारे कपड़े, बहुत ज़्यादा कपड़े प्रेस किए मैंने। ये सी दबा बंद कर दिया सी। तो जी बस फिर उसके बाद कपड़े शपड़े प्रेस करने के बाद मैं फिर से लेट गई, क्योंकि मैंने बताया ना कि 2-3 दिन से जो है वो बहुत ही डिमोटिवेट हो रही थी, व्लॉग्स बनाने का दिल भी नहीं कर रहा था, और बिल्कुल दिल से मैं व्लॉग बना भी नहीं रही थी। और आज का व्लॉग भी जो है वो मैंने दिल से नहीं बनाया था, बस इसी तरह से जो है वो बस मैंने बना लिया था। बाकी बस यार अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स कह रहे हैं, पता नहीं मेरे नसीब में है या नहीं यूट्यूब पर कामयाबी, लेकिन आपकी बहन जो है वो पूरी पूरी कोशिश कर रही है यकीन करें कि मतलब कुछ करने की। तो चलें, बहरहाल ये शाम का टाइम था, और फिर मैं अभी बाहर से हम लोगों ने खाना मंगवा लिया था, क्योंकि छुट्टी वाला दिन होता है ना वो ज़रा थोड़ा सा बच्चों के लिए स्पेशल होता है। वो इस तरह से कि सुबह का नाश्ता इन्होंने जो है वो पराठों के साथ करना होता है, पूरा हफ्ता जो है ना ये खाते हैं जी पापे वगैरह या फिर ब्रेड वगैरह, इस तरह से चल रहा होता है। लेकिन इन्होंने जो 2 दिन की छुट्टियाँ होती हैं ना उसमें माशाल्लाह प्रॉपर नाश्ता करना होता है, और शाम का फिर इस तरह से बाहर से कुछ ना कुछ खाना होता है। तो आज भी जो है बच्चों ने मंगवाए थे, जिंगर रोल था साथ में, ये जिंगर था, और इसके अलावा जी बीफ मायो गार्लिक रोल था, और एक चिकन मायो गार्लिक रोल था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि आपको खोल के ज़रा इसकी लुक भी दिखाती हूँ। तो जब मैंने पहले वाला खोला वो था जी आई थिंक बीफ वाला, तो फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं ये साइड पे करो, दूसरा वाला दिखाओ, ये तो बीफ वाला है। तो क्योंकि मैं बीफ वाला खाती भी नहीं हूँ ना, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला साइड पे करवाया फटाफट से। फिर मैंने कहा दूसरा वाला दो मैं वो खोलती हूँ। मज़े की बात ये है कि जब मैंने दूसरा वाला खोला तो वो भी जो था ना वो बीफ वाला निकल के आ गया। मैंने कहा ये कि मेरे नसीब में यही है, तो शायद मे भी इन्होंने ऊपर लिखा हुआ भी होता है या फिर साथ में दिया हुआ होता है, तो वो मैंने नोट ही नहीं किया क्योंकि मैं बना रही थी अपना व्लॉग। तो मैंने फिर इसको खोलने की करी फटाफट से, खोल कर देखती हूँ कि इसके अंदर कौन सा वाला है। तो खैर आप लोग का वीकेंड जो है वो कैसा गुजरता है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आज का व्लॉग जो है आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, जब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, मेरी वीडियोज़ को शेयर भी कर दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और लाइक लाजमी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़ी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।